हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं 2024 में नेटफ्लिक्स पर आई एक हॉलीवुड मूवी डैमसेल को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है एक पुराने टाइम में किसी राजा को दिखाते हुए, जो अपने सिपाहियों के साथ एक ड्रैगन का पीछा करता है और पीछा करते हुए उसकी गुफा में चला जाता है। राजा अपने सिपाहियों को ड्रैगन को मारने को कहता है। ये काम जितना बोलने में आसान लगता है उतना होता नहीं, क्योंकि ये ड्रैगन कोई आम जानवर नहीं होती। अब जैसे ही सिपाही उसे मारने को आगे बढ़ते हैं, वो अपने मुंह से आग निकालकर सभी को मार देती है। और अब ड्रैगन जब राजा के सामने आती है, तो वो भी अपनी हार मानकर उसके सामने घुटने टेक देता है। खैर, इसके बाद सीन यहाँ से कट होते हुए हमें सदियों बाद एक दूसरे किंगडम को दिखाया जाता है। ये किंगडम बहुत गरीब होता है। यहाँ का मौसम ठंडा होता है, ज़मीनें बंजर होती हैं, यहाँ के लोग भूख से मर रहे होते हैं। यहाँ के राजा का नाम होता है लॉर्ड बीफोर्ड। इनकी पहली पत्नी इस दुनिया में नहीं रही, तो उन्होंने दूसरी शादी कर ली। और उनकी पहली बीवी से दो बेटियाँ हैं, जिनका नाम है एलोडी और फ्लोरिया। एलोडी की बात करें तो ये इस मूवी की मेन कैरेक्टर है। एलोडी बहुत ही जाबाज और हिम्मत वाली है और उसे एडवेंचर्स बहुत पसंद है। किंगडम के लोगों के लिए जैसे तैसे एलोडी और लॉर्ड बीफोर्ड मैनेज कर रहे होते हैं, साथ ही उनके गोदाम भी खाली हो जाएंगे, जिससे वहाँ भुखमरी शुरू हो जाएगी। अब ऐसे में एक दिन एलोडी के लिए एक बहुत बड़े किंगडम से रिश्ता आता है, जो कि यहाँ से काफ़ी दूर, और ये किंगडम के रॉयल फैमिली के प्रिंस का मैरिज प्रपोजल होता है। इस रिश्ते से उसके पिता काफ़ी खुश होते हैं, पर एलोडी को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। तब उसके पिता उसे समझाते हैं कि उनके गोदाम जल्दी ही खाली होने वाले हैं, उनके पास खाने और पीने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन अगर वो ओरिया के प्रिंस से शादी कर लेगी, तो उनके पास अतास होना है, तो वो उन्हें भी मिलेगा, जिससे उनके किंगडम को काफ़ी मदद मिलेगी। एलोडी इस बात को मानते हुए, ना चाहते हुए भी शादी के लिए मान जाती है, पर उससे पहले वो ओरिया के प्रिंस से मिलना चाहेगी। अब सभी लोग शादी के लिए ओरिया के किंगडम के लिए निकल जाते हैं। किंगडम के अंदर एंटर होने से पहले उन्हें बड़े बड़े ड्रैगन के स्टैचू दिखाई देते हैं, पर अंदर से ये महल काफ़ी शानदार और बड़ा होता है। एलोडी की पूरी फैमिली को महल काफ़ी पसंद आता है, उनका स्वागत काफ़ी सम्मान के साथ होता है। इसके बाद एलोडी को एक कमरा आराम करने के लिए दिया जाता है, साथ ही उसकी फैमिली को भी काफ़ी अच्छी फैसिलिटी दी जाती है। इसे सभी काफ़ी इम्प्रेस होते हैं। अपने कमरे को देखने के बाद एलोडी जब खिड़की पर आती है, तो उसे दूसरी मीनार में एक लड़की दिखाई देती है। दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुराती भी हैं, पर फिर उस लड़की को अंदर बुला लिया जाता है। अब रात में एलोडी और फ्लोरिया आपस में बात करती हैं, जहाँ एलोडी लगभग इस शादी के लिए तैयार होती है और फ्लोरिया उसके लिए बहुत खुश होती। अब चूंकि एलोडी अपनी बहन से बहुत प्यार करती होती है, इसलिए कहती है कि शादी के बाद उसे अपने पास रखेगी और पूरी दुनिया घुमाएगी। फिर फ्लोरिया के सोने के बाद एलोडी कमरे की खिड़की पर जाती है, तो उसे दूर पहाड़ों में आग लगी नजर आती है, जिसे देखकर उसे आश्चर्य होता है, पर वो उसे इग्नोर कर देती है। खैर, अब दूसरे दिन सुबह वो उसका परिवार प्रिंस हेनरी और उसके परिवार से मिलते हैं। क्यून एलोडी के पिता से कहती है कि उन्हें ये रिश्ता मंजूर है और हम कल ही शादी करेंगे। इस बारे में उससे कुछ बात करनी है। इसके बाद एलोडी और प्रिंस हेनरी एक दूसरे से बात करने और एक दूसरे को समझने के लिए बाहर निकल जाते हैं। दोनों को एक दूसरे पसंद भी आ जाते हैं। फिर दोनों हॉर्स राइडिंग करते हैं। इसी बीच एलोडी पहाड़ों से निकलने वाली आग के बारे में पूछती है, तो हेनरी बताते हैं कि वहाँ पर उनकी फैमिली की एंशियंट सेरेमनी होती है, जो उनके लिए बहुत ज़रूरी है और शादी के बाद उन्हें भी करनी होगी। दूसरी तरफ एलोडी के पिता को दिखाया जाता है, जो क्वीन से मिलने के बाद से काफ़ी परेशान होते हैं। एलोडी की स्टेप मदर से परेशानी की बात पूछती है, तो वो कुछ नहीं बताते, इसीलिए वो सीधा क्वीन से बात करने चली जाती है। पर क्वीन काफ़ी ज़्यादा घमंडी होती है और ये कहकर बात करने से मना कर देती है कि वो एक छोटे से किंगडम से आई है। क्वीन की इस तरह बात सुन उन्हें कुछ शक सा होता है, इसीलिए वो अपनी दोनों बेटियों के पास आती हैं और कहती हैं कि उन्हें लग रहा है कि कुछ जरूर गलत होने वाला है, तो एक बार फिर से सोच लो कि ये शादी करनी है या नहीं। तभी वहाँ एलोडी के पिता आ जाते हैं, जो उसकी माँ को बहाने से ले जाते हैं, या उन्हें देख के साफ पता चलता है कि वो कुछ छुपा रहे हैं। खैर, अब अगले दिन एलोडी को काफ़ी टाइट कपड़े पहनाए जाते हैं, जिसमें वो काफ़ी सुंदर लगती है। इसके बाद एलोडी की प्रिंस के साथ शादी होती है। एलोडी अपनी लाइफ के लिए काफ़ी एक्साइटेड होती है और शादी के बाद वो रॉयल फैमिली वाली रिचुअल करने हेनरी के साथ उसी पहाड़ी में जाती है, जहाँ उसने कुछ दिन पहले आग लगे हुए देखी थी। वहाँ पहुँचने पर एलोडी देखती है कि पहले ही वहाँ के किंगडम के लोग मौजूद है, पर सभी के फेस पर मास्क होता है। यहाँ पर एक कुएं जैसी गहरी केव भी थी, जिसके अंदर ऊपर से एक ब्रिज बनाया गया था। और अब क्यून रिचुअल करने से पहले एलोडी को इस आइलैंड के बारे में बताती है। इसे उनके राजा ने डिस्कवर किया था, यहाँ पर शहर बसाना चाहा, लेकिन इस गुफा के अंदर एक ड्रैगन रहा करती थी, जो अपनी नस्ल की आखिरी ड्रैगन थी, जिसने 100 साल पहले इस किंगडम में काफ़ी तबाही मची
बचाई थी। और फिर एक दिन हमारे राजा ने उससे बदला लेने का फैसला किया, उसे लड़ने के लिए इस गुफा के अंदर आ गए। लेकिन ये ड्रैगन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थी, कोई भी उसे जीत नहीं पाया, यहाँ तक कि हमारे राजा भी नहीं जीत पाए। अब जान बचाने के लिए राजा ने ड्रैगन से एक डील की कि वो अपनी 3 बेटियों को इस ड्रैगन को देगा और बदले में उसकी प्रजा को छोड़ देगा। इसके बाद इस ड्रैगन ने कभी हमारे किंगडम पर हमला नहीं किया और उसी के बाद से आज तक हम ये रिचुअल करते आ रहे हैं। खैर, अब क्वीन रहनरी और एलोडी के हाथ पर कट लगाती है और दोनों के हाथ मिलाते हुए कहती है कि अब ये लड़की भी रॉयल ब्लड की हो चुकी है और अब वो उनकी बेटी है। इसके बाद एलोडी को एक कॉइन दिया जाता है जिसे उसे गुफा के अंदर फेंकना था। उस कॉइन को फेंकने के बाद हेनरी एलोडी को अपनी गोद में उठाकर वापस ले जाने लगता है और उसे माफ़ी मांगते हुए उसे सीधा नीचे फेंक देता है। अब नीचे गिरने पर एलोडी बच तो जाती है पर बेहोश हो जाती है। होश आने पर वो काफ़ी परेशान होती है और मदद के लिए चिल्लाती। उसकी आवाज़ सुन यहाँ पर सदियों से रहने वाली ड्रैगन जाग जाती है। फिर जब कोई मदद के लिए नहीं आता तो खुद ही ऊपर चढ़ने की कोशिश करती, पर ये जगह स्लिपरी होती है तो बार बार नीचे गिर जाती। एलोडी देखती है कि वहाँ पर और भी कई लोगों के सामान पड़े जैसे कि ज्वेलरी और कॉइन्स। ये देख के वो समझ जाती है कि वो पहले नहीं जिसे यहाँ फेंका गया है, ऐसा पहले और दुल्हनों के साथ हो चुका है। अब यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता खोजते हुए एलोडी को हवा में आग की रोशनी दिखाई देती है। उसे देखने के लिए जब वो आगे बढ़ती है तो देखती है कि कुछ बर्ड्स आग की लपट में आके मर रही हैं और ये आग ड्रैगन की लगाई होती है। ड्रैगन को देख के एलोडी बहुत डर जाती है और एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। ड्रैगन एलोडी से उसका नाम पूछती है। एलोडी के नाम बताने पर ड्रैगन कहती है कि मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी और अब मैं तुम्हें मार दूंगी क्योंकि तुम्हारे अंदर से मुझे शाही खून की महक आ रही है। दोस्तों, यहाँ आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि वो हाथ में कट का मिलाने वाला रिचुअल क्यों किया गया था। कैरोलोडी समझ जाती है कि ड्रैगन उसे मारने वाली है, इसीलिए वहां से भागने लगती है। ड्रैगन उस पर आग से हमला करती है और वो सबके साथ ऐसा ही करती थी, उनके साथ खेलती, उन्हें डराती और हॉन्ट करती और लास्ट में उन्हें दर्द से भरी मौत देकर मार डालती। अब एलोडी जब भागती है तो उसकी ड्रेस की वजह से वो एक जगह फंस जाती है। यहाँ पर दोस्तों एक और बात गौर करने वाली है कि जब एलोडी को शादी के लिए तैयार किया जा रहा था तो जानबूझकर उसे ऐसी ड्रेस पहनाई गई थी ताकि वो ड्रैगन से बचकर बाहर ना पाए। एलोडी वहाँ से निकलने में कामयाब तो हो जाती है पर उसका पैर झुलस जाता है। वो एक छोटी सी गुफा के अंदर छुप जाती है, फिर अपनी ड्रेस को फाड़ कर अपनी चोट पर बांध लेती है। एलोडी को काफ़ी तकलीफ हो रही होती है पर वो हार नहीं मान सकती, उसे हर हाल में यहाँ से निकलना था। अब वहाँ से निकलने के लिए एलोडी रास्ता खोजने लगती है तो उसे आगे चल के एक नीली रोशनी दिखाई देती है और उस रोशनी का पीछा करते हुए जब वो उसके करीब पहुँचती है तो देखती है कि वहाँ पर चट्टान से रोशनी आ रही है। एलोडी वहाँ तक जाना तो चाहती है पर दरमियान में एक बहुत बड़ी खाई होती है। अब आगे खाई और पीछे ड्रैगन कहीं तो उसे मरना ही था, इसीलिए हिम्मत कर खाई के उस पार जाने के लिए कूद जाती है पर अनलेकली दूसरी साइड नहीं पहुँच पाती। अब खाई में नीचे गिरने से पहले वो अपने हाथ में लिए चाकू की मदद से ऊपर जाती है और बच जाती है। रात की सांस लेते हुए एलोडी सबसे पहले वेडिंग रिंग को उस खाई में फेंककर झूठ और धोखे पर बने इस रिश्ते को सबसे पहले खत्म करती है। अब यहाँ पर जिस चट्टान से नीली रोशनी आ रही थी, दरअसल में वहाँ पर ढेर सारे छोटे छोटे नीले कीड़े होते हैं। एलोडी दोबारा अपनी ड्रेस को फाड़ कर उन कीड़ों को उनमें भर लेती है ताकि आगे चल के वो उसके लिए लैंप का काम करे। अब थोड़ी आगे और जाने पर उसे पानी का छोटा सा झरना टाइप का मिलता है। एलोडी पानी पीने के लिए जैसे ही अपना मुँह खोलती है तभी वहाँ ड्रैगन आ जाती है और उस पर हमला कर देती है। उसे बचने के लिए एलोडी फिर से वहाँ से भागती है और फिर से एक छोटी सी गुफा में छुप जाती है। एलोडी के फिर से छुपने पर ड्रैगन कहती है कि कितना छुपोगी मुझसे नन्ही परी, कभी तो मेरे सामने आओगी। अब इस गुफा के अंदर बहुत सी लड़कियों के नाम लिखे होते हैं और लिखा होता है कि यहाँ पर ड्रैगन नहीं पहुँच सकती। देखने वाली की स्टार्टिंग नेम वी होता है, मीन्स विक्टोरिया। इसे पर एलोडी समझ जाती है कि यहाँ पर बहुत सी लड़कियों को कुर्बान किया जा चुका है, जो यहाँ तक पहुँच तो गई थी पर बची कोई नहीं, क्योंकि यहाँ से बच पाना लगभग इम्पॉसिबल है। फिर एलोडी को कुछ विजन्स आते हैं जिसके अंदर वो उन सभी दुल्हनों को देखती है जो यहाँ पर जलकर मारी गई थी और यहाँ पर उसे एक नक्शा भी मिलता है जिसका मतलब है कि यहाँ से कोई ना कोई बच के जरूर निकली थी। इसी बीच उसे विक्टोरिया का भी विजन आता है जो कहती है कि यहाँ के बारे में बताएगी सारी बातें झूठ हैं। उसे उसकी बात समझ में तो नहीं आती पर दर्द के मारे वो सो जाती है। लगने पर एलोडी देखती है कि वही नीले कीड़े उसकी चोट पर चढ़ गए थे। ये देख के वो थोड़ा परेशान हो जाती है पर जब वो उन्हें हटाती है तो देखती है कि उसे नुकसान नहीं पहुंचाते बल्कि उसकी चोट को ठीक कर देते हैं, मतलब इन कीड़ों के अंदर हीलिंग पावर है। अब वो दीवार पर बने मैप को देखती है कि यहाँ से निकलकर उसे एक क्रिस्टल केव मिलेगी जिसे पार कर बाहर जाया जा सकता है। फिर अपना भी नाम लिखकर वो आगे बढ़ जाती है, मैप के नक्शे को फॉलो करते हुए उस क्रिस्टल केव तक पहुंच जाती है। पर केव को पार करना काफी खतरनाक होता है क्योंकि रास्ता नुकीले पत्थरों से भरा था जिससे लगकर वो मर जाती। तभी उसे वहां पर विक्टोरिया का क्राउन मिलता है जिसका मतलब कि उसने ये क्रिस्टल पार की
होगी। वो भी हिम्मत के साथ उस क्राउन की हेल्प से उस क्रिस्टल केव को पार करती है। फाइनली उसे एग्जिट तो मिल जाती है, पर ये जगह और भी ज्यादा खतरनाक होती है क्योंकि ये जमीन से काफी ऊपर होती है। ये देख के उसे रोना आता है। फिर नीचे वो कुछ आदमियों को घोड़े में देखती है जिन्हें बुलाने के लिए वो आवाज लगाती है, पर इतनी ऊपर से उन्हें कुछ सुन नहीं पाता। तभी इतने में उसके सामने ड्रैगन आ जाती है, उस पर हमला कर देती है। अब ड्रैगन से बचने के लिए वो फिर से एक गुफा में जाती है। ड्रैगन कहती है कि कितना भागोगी, यहाँ से आज तक कोई बच के नहीं जा पाया है, मैं तुम्हें पकड़ ही लूंगी। तभी वहाँ एलोडी के पिता अपने कुछ साथियों के साथ उसे ढूंढते हुए आ जाते हैं। उनकी आवाज सुन ड्रैगन ये कहते हुए जाती है कि तीन जाने ली गई थी तो तीन जाने दी भी जाएंगी। अब ऐसा क्यों कहा गया इसका मतलब दोस्तों आपको आगे समझ में आएगा। ड्रैगन के जाने के बाद एलोडी वहाँ पर लेके विक्टोरिया का आखिरी नोट पढ़ती है कि ये जगह सेफ नहीं है। साथ ही वहाँ विक्टोरिया की लाश भी पड़ी मिलती है, यानी कि वो भी यहाँ से बच के बाहर नहीं जा पाई थी। ये देख के वो हार मान जाती है, पर अपने पिता की आवाज़ सुन उसमें थोड़ी सी हिम्मत आती है और वहाँ से नीचे उतरती है। अब वो नीचे आती है तो उसे एक जगह पर ढेर सारा सोना पड़ा मिलता है और तीन टूटे हुए अंडे होते हैं। उसे विक्टोरिया की झूठ वाली बात का मतलब और क्वीन की सुनाई कहानी समझ में आती है कि जो भी उसने बताया था उसमें आधा सच और आधा झूठ था। असल में ड्रैगन अपनी प्रजाति की इकलौती नस्ल नहीं थी, उसके तीन बच्चे थे और उस दिन राजा ने उसके तीनों बच्चों को खत्म कर दिया था और उसी के अंडों से सोना निकला था। अब जैसा कि हमने मूवी की शुरुआत में देखा था कि ड्रैगन ने सबको मार दिया था, पर राजा उसके सामने झुक जाता है और अपनी जान की भीख मांगता है। ड्रैगन ने बादशाह से कहा था कि मैं तुम्हें भी तड़पता देखना चाहती हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारी हर पीढ़ी से तीन लड़कियाँ चाहिए जिनकी कुर्बानी लेने के बाद ही मैं तुम्हें और तुम्हारे किंगडम को शांति से रहने दूंगी। और यही डील थी कि उसने तीन जाने ली तो तीन जाने उसे रॉयल ब्लड से देनी भी होंगी। और यहाँ हम समझ पाते हैं कि ड्रैगन गलत नहीं थी और ना ही उसने कुछ शुरू किया था, ये सब तो किंग के लालच से शुरू हुआ था जिसके लिए उसे प्राइस पे करना पड़ता है। यहाँ पर भी उसने चालाकी दिखाई कि वो मासूम लड़कियों को रॉयल ब्राइट ब्लड बना के ड्रैगन को देने लगा। खैर एलोडी देखती है कि उसके पिता उसे ढूंढने के लिए आवाज लगा रहे हैं, तभी ड्रैगन उसके पिता के साथ आए लोगों को मार डालती है। एलोडी के पिता कहते हैं कि मैं अपनी बेटी को वापस लेने आया हूँ, चाहे इसके लिए मुझे तुमसे लड़ना ही क्यों ना पड़े, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। ड्रैगन उससे कहती है कि तो फिर बुलाओ अपनी बेटी को यहीं पर। इस पर वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि एलोडी तुम जहाँ पर भी हो यहाँ पर मत आना। अब ऐसा कहते ही ड्रैगन को गुस्सा आ जाता है और वो अपना एक नेल एलोडी के पिता के सीने में स्टैप कर देती है। अपने पिता को अपने सामने देख एलोडी के मुंह से चीख निकल जाती है जिससे ड्रैगन का ध्यान भटक जाता है और वो एलोडी को ढूंढने के लिए दूसरी तरफ निकल जाती है। मौका देखते ही एलोडी फौरन अपने पिता के पास आती है। मरते हुए एलोडी के पिता कहते हैं कि मैं अपने गुनाहों की वजह से मर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने अपने और अपने लोगों के फायदे के लिए जानबूझ के अपनी बेटी का सौदा किया था और यही कारण था कि शादी से वो पहले परेशान थे क्योंकि क्यों ने पहले ही कह दिया था कि शादी के बाद आपका अपनी बेटी से कोई नाता या रिश्ता नहीं होगा। आगे एलोडी के पिता कहते हैं कि तुम्हें जिंदा रहना है, तुम्हारी माँ और बहन हमारी शिप में तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। ये कहते ही वो मर जाते हैं। एलोडी वहाँ से निकलने के लिए आगे को बढ़ती है। वो उसी जंजीर का इस्तेमाल करती है जिससे उसके पिता यहाँ आए थे, वो उसी को पकड़ते हुए ऊपर की ओर जाती है, लेकिन ड्रैगन देख लेती है और आग से हमला कर देती है। पर एलोडी किसी तरह बचते हुए गुफा से बाहर आ जाती है और अपने पिता के घोड़े पर बैठ कर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन ड्रैगन उसका पीछा करना नहीं छोड़ती। वो आग से उस पर हमला करती है। उसकी नजरों से बचने के लिए एलोडी चट्टानों के बीच छुप जाती है। गुस्से में ड्रैगन उसके घोड़े को जला देती है, साथ ही भारी तबाही मचाती है। दूर खड़ी क्वीन ये सब देख रही होती है, गुस्साते हुए कहती है कि ये सब एलोडी की वजह से हो रहा है और मैं अब ये सब ठीक करके रहूंगी। अब शिप में एलोडी की बहन फ्लोरिया भी आग को देख रही होती है कि तभी क्वीन वहां आकर उसे किडनैप कर लेती है क्योंकि उनका प्लान होता है कि अब वो एलोडी की जगह उसकी बहन की कुर्बानी देकर अपने किंगडम को बचा लेगी। एलोडी की माँ रोकने की कोशिश करती है पर क्यून उन्हें चाकू मारकर फ्लोरिया को उस ब्रिज तक ले जाती है। हेनरी क्यून को ऐसा करने से रोकता है पर क्यून नहीं मानती और अपना ब्लड उसके ब्लड में टच कर उसे भी नीचे फेंक देती है। इसी तरफ एलोडी बचते हुए अपनी घायल माँ से मिलती है जो उसे फ्लोरिया के बारे में बताती है। ये सुन एलोडी फौरन गुफा के लिए निकलती है। अब तक ड्रैगन फ्लोरिया को पकड़ लेती है। ड्रैगन से लड़ना आसान नहीं था ये बात एलोडी को पता होती है, इसीलिए उसके पास जाने से पहले वो तैयारी करती है। सबसे पहले वो नीले चमकने वाले कीड़े अपने पास रखती है, फिर अपने पिता की तलवार और बाकी सामान अपने पास रख लेती है जो उसे लड़ने में हेल्प करेंगी। यहाँ से सीन कट करते हुए दिखाया जाता है कि अभी तक ड्रैगन ने फ्लोरिया को नहीं मारा। वो अपने बच्चों के पास बैठकर फ्लोरिया से कहती है कि तुम्हारे बड़ों ने मेरे बच्चों को मार डाला है, इसलिए अब एलोडी को मारकर अपना बदला लूंगी। मुझे पता है कि वो तुम्हें बचाने जरूर आएगी और तुम्हें मारने से ज्यादा
मुझे उसे मारने में मजा आएगा। एलओडी ड्रैगन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए शोर मचाती है, जिससे ड्रैगन को उसके आने का पता चल जाता है और वो उसे ढूंढने उसी तरफ निकल जाती है। ड्रैगन के जाने के बाद एलओडी फौरन अपनी बहन के पास आती है और उसे होश में लाते हुए वहां से निकालने लगती है, पर ड्रैगन उसकी ट्रिक समझ जाती है और वापस आ जाती है। ड्रैगन के हमला करने से पहले एलओडी कहती है कि हमसे झूठ बोला गया था, हमें बताया गया था कि तुम उनके किंगडम पर हमला करती थी, लेकिन सच तो ये है कि उन्होंने तुम्हारे बच्चों को मारा है। ड्रैगन कहती है कि जो कुछ भी है तो तुम्हारे फैमिली वाले ही, और अपना बदला मैं तुमसे ही लेंगी। एलओडी कहती है कि हम उनके बच्चे नहीं है। अब इसके आगे एलओडी कुछ कहती है, ड्रैगन अपनी आँख से उस पर हमला कर देती है। उससे बचने के लिए एलओडी जब पीछे को होती है तो वो पानी में गिर जाती है। आँख से एलओडी को काफी ज्यादा दर्द होता है। वहां से भागते हुए ड्रैगन फिर से एलओडी को पकड़ती है और अपनी नेल से उसे जख्मी कर देती है। अब इससे पहले कि ड्रैगन फिर से उसके ऊपर हमला करती है, एलओडी अपनी तलवार से उसकी आँख पर हमला कर देती है। इससे ड्रैगन को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एलओडी को दूर फेंकते हुए उस पर आँख से हमला करती है, पर इस बार ड्रैगन की आँख एक पत्थर से टकरा कर उसके ऊपर आ जाती है और उसे जलाने लगती है। ड्रैगन जलकर काफी ज्यादा जख्मी हो जाते हैं और फाइनली एलओडी उसे समझाती है, उसे यकीन दिलाती है कि पूरा खेल ही धोखे पर चल रहा था। एलओडी उसे अपने हाथ पर लगा कट का निशान दिखाती है और कहती है कि ऐसे ही वो अपना ब्लड हमारे ब्लड में लगाकर हमें शाही खून बनाकर तुम्हारे सामने पेश करते थे। हम असल में उनके बच्चे नहीं है, अपना पाप धोने के लिए वो हम जैसी मासूम लड़कियों को कुर्बान करते थे, और तुमने भी कौन सा उनके साथ अच्छा किया, जैसे उन्होंने तुम्हारे बच्चों को मारा वैसे ही तुमने भी कईयों के बच्चों को मार दिया। ये सच्चाई जान ड्रैगन काफी दुखी हो जाती है और एलओडी से कहती है कि मेरी सजा यही होनी चाहिए कि मैं मर जाऊं, इसीलिए तुम मुझे मार दो। लेकिन यहाँ एलओडी उसे मारती नहीं और कहती है कि चीजें अब वो डिसाइड करेगी, क्योंकि गलत किसी के साथ नहीं होना चाहिए, इसीलिए वो नीले कीड़ों को ड्रैगन पर डाल देती है। और इससे क्या होगा ये तो आप जान ही सकते हैं, यानी कि ड्रैगन हील हो जाती है। इसके बाद एलओडी अपना बदला लेने के लिए असल गद्दारों के पास यानी कि क्वीन और प्रिंस के पास आती है। यहाँ एलओडी देखती है कि एक और लड़की को वो लोग शादी का झांसा देकर उसे ड्रैगन के सामने कुर्बान करने के लिए तैयार कर रहे थे, और ये वही लड़की होती है जिसे एलओडी ने अपने कमरे की खिड़की से देखा था। एलओडी उसे सच्चाई बताकर वहां से भागने को कहती है, फिर वहां के लोगों से कहती है कि जिसे भी अपनी जान प्यारी हो वो यहां से भाग जाए। एलओडी के पास उन क्वीन कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम अगर ड्रैगन से बच के आ गई तो तुम हमें डरा सकती हो, तुम अकेली हो, हमारा क्या भी बिगाड़ लोगी। एलओडी कहती है कि मैं अकेली नहीं हूँ। उसका ऐसा कहते ही वहाँ पर ड्रैगन आ जाती है और रॉयल फैमिली के साथ पूरे महल को तबाह कर देती है। सही मायने में अब ड्रैगन का बदला पूरा हुआ। अब मूवी के एंडिंग में दिखाया जाता है कि इस किंगडम में एलओडी अपनी बहन फ्लोरिया और अपनी माँ के साथ है और अपने किंगडम वापस जाने की तैयारी कर रही है। एलओडी अपनी माँ से कहती है कि उसे यकीन है कि वो उसके पिता की जगह इस किंगडम के खजाने को लेकर हमारे किंगडम के साथ साथ इस किंगडम को भी काफी अच्छे से चला लेगी। ये सुन उसकी माँ काफी खुश होती है और सभी अपने किंगडम की तरफ निकल पड़ते हैं, जहां वो ड्रैगन भी एलओडी के साथी बनकर उनके साथ जा रही थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन कमेंट कर जरूर बताइएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर ले ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग मूवी के नोटिफिकेशन दोबारा मिल सके।